इस पहाड़ के पीछे इंडिया है, तो हम जितने भी हमारे इंडिया के रिश्तेदार हैं हम उनसे मिलने चलते हैं। हाँ जी, तो अभी हम जा रहे हैं नलतान वैली, उसके बाद हमारा सफर है स्कर्दू का। लेकिन हम कहाँ रुकेंगे रात को? तो भाई सीन कुछ हुए थे, हम लोग जो है जा रहे हैं नलतर वैली। नलतर में हम लोग जाने के लिए हम करवानी पड़ती है जीप हमने करवा ली है, यहाँ जीप में सब लोग। तो जो है चढ़ते ऊपर, यहाँ बहुत शदीद गर्मी है। ड्राइवर के मुताबिक अब यहाँ से जाएंगे ऊपर, तो बोल रहे ऊपर यहाँ ऊपर सर्दी है, तो हम लोगों ने रख लिए गर्म कपड़े, मगर यहाँ लग रही है बहुत गर्मी। अभी चलते हैं ऊपर, फिर देखते हैं वहाँ के क्या प्रोग्राम है। गाड़ी इतनी हीट अप हो जाती है कि भाई लोग जो है यहाँ पर चला जा रही है। यहाँ पे एक नहर है, यहाँ पे आके सबसे पहले जो है आधे टाइम पे आके गाड़ी में थोड़ा ठंडा ठंडा पानी डालते हैं, और साथ साथ जो है यहाँ पे इनकी एक ऑफिस बना हुआ है नलतर वैली का, यहाँ पे इनकी एंट्री करवानी पड़ती है। एंट्री होगी तो फिर उसके बाद आगे भी हम जाने देते हैं। अच्छा पैदल के लिए हमने इधर से, अच्छा हमें नीचे से जाना है। मैंने बोला उधर से ऊपर जाना है, यहां से तो बाइक जाएगी बस, शायद नहीं जा पाएगा। अच्छा पहले इस तरफ ये बार में बारिशों में चीच देख के हां वहां से सीधा से रोड बना हुआ, मम्मी नहीं जा रहा है।
ऑफ रोडिंग है और ठंड भी पड़ने लगी अब। पानी आ गया दोबारा। तो हम जा रहे थे नलतड़ लेक की तरफ, रास्ते में बैठे हैं क्योंकि ये जो हमारी खाला हैं ये बहुत बुढ़ी हो गई हैं, थक गई हैं, हमारी नानी भी थक गई हैं और ये लड़की भी थक गई है। हम भी थक गए। कितने मजेदार फ्राइज। एक साला छोड़ दूं क्यों? वैसा खराब रास्ता है कसम से। ऊपर देखो मार हो रहा है। कहाँ है? बहुत जबरदस्त रास्ता है, खतरनाक है लेकिन इतना पुरसकून, इतना मजेदार रास्ता है कि बस बहुत ज्यादा। और ये देख रहे हैं सामने कह रहे हैं जबरदस्त ग्लेशियर भी कह रहे पानी आ रहा है इस तरफ। इस पहाड़ के पीछे इंडिया है तो हम जितने भी हमारे इंडिया के रिश्तेदार हैं हम उनसे मिलने चल रहे हैं। इस रास्ते पे से हम जा रहे हैं। जंगल का या जंगल बर्फबारी में ये लेक है। मुझे तो लग रहा है काई जम गई, आगे जाके देखते क्या है। बड़ी खूबसूरत है उन्हें। हाँ जी तो हम आए हैं, ये कौन सी लेक है? नलतर लेक, नलतर। और आगे जाके पता चलेगा इस लेक में आखिर ऐसा क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लोग सब कह रहे हैं कि शीशे की लेक होती है, शीशे जैसी लेक होती है। उतारूं मम्मी आपको आ जाए। पानी इतना साफ है, नीचे का नजर आ रहा सब कुछ। लेकिन है तो खूबसूरत है। हाँ जी तो देखते हैं क्या है तो गहरी है। यहाँ पे थोड़ी तस्वीरें तो खिंचा ली हम, क्या आए थे पता चले। ये आ गई है परी लेक। अबे क्या करेगी जाके, जम रहे मुंह से। वाओ यार बेहतरीन बेहतरीन। पूरा पूरा शेड पड़ रहा है पहाड़ का। यार मतलब
हमारी जो इतना लंबा सब का सफर है वो बेकार गया, बाकी बहुत जबरदस्त है बहुत। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं ब्लू लेक। उमर छत पे बैठा हुआ है। हाँ तो भाई ऊपर से ज्यादा शेड नजर आ रहा था यार इसका, ऊपर से ज्यादा शेड नजर आ रहा था। हम लोग जब गाड़ी ऊपर से ज्यादा, इतना खूबसूरत जगह है। एक और व्लॉगर आ गई है यहाँ, सारे व्लॉगर्स आ गए। अभी अभी नलतर में ही इन्होंने जन्म लिया है सबने। इतना खूबसूरत पानी है यहाँ पे, और इसका शेड जो है ना बकायदा पानी का ब्लू कलर है, और इसका पहाड़ पूरे पूरे जैसे लग रहा है जैसे शीशा है। इतनी ज़बरदस्त जगह, वर्थ इट जगह है हमारी ये। लोग आए हुए हैं यहाँ पे, अपना ड्रोन वगैरह चला रहे हैं, ड्रोन कैमरा आए हुए। खूबसूरत जगह है, खूबसूरत। 1.5-2 घंटे का हमारा जो ऑफ रोडिंग का सफ़र था वो हमारा यहाँ पे हुआ ख़त्म। मतलब ये हमारी जगह जो थी हमारे लिए वर्थ इट हो गई, हमारे लिए ज़बरदस्त हो गया। ठंड हल्की हल्की सी है मगर क्या खूबसूरत जगह है, जंगलों के अंदर चारों तरफ जंगल, ज़बरदस्त माशाल्लाह। इतनी रात हो चुकी है और हम इस वक्त वापस जा रहे हैं नलतर वैली से, और रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है, जंगलों के बीच से हम जा रहे हैं वापस। मैं सिर्फ कर तो रही हूँ कि काश कुछ नज़र आ रहा है हमकान का नज़र। भाई खाना आ गया है और अभी हम लोग जो है बहुत मुश्किल से अपना सफ़र तय करके आए हैं, आधे रास्ते सोते हुए आधे रास्ते उठते हुए। बहुत मुश्किल हमारा सफ़र था मगर सफ़र बहुत अच्छा था। नलतर वैली में हम दो लेक घूमे, ब्लू लेक और एक ग्रीन लेक टाइप की, उसका नाम याद नहीं आ रहा। अब तो सीन उसका ये है, अब आए हैं यहाँ पे गिलगित में। गिलगित में ये एक रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा बना हुआ है, इनका सेटअप बहुत ज़बरदस्त है। पास्ता और लिंगर तो उन्होंने निपटा दिया है, बाकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। वो सबसे पहले जो है खाना खा लें, फिर उसके बाद जो है गिलगित में ही रुकना हमारा स्टे होगा, या फिर हमारा स्टे होगा आज जगलोट में, तो फिर देखते हैं। सो भाई हमें जो स्कर्दू के लिए निकलना है, तो देखते हैं मजीद फिर क्या सीन बनता है। थकन सारा बहुत ख़राब हो रही है। तो भाई सीन कुछ यूँ है, अभी ऐसा है कि अभी हम लोग जा रहे थे जगलोट, मगर जगलोट का रास्ता काफ़ी लंबा था, बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। अब हम लोग रास्ते में ही रुक गए हैं गिलगित के अंदर। गिलगित के अंदर इस होटल का नाम है आईबैक्स लॉजिस, और ये होटल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, और इसकी यहाँ पर आप सिटिंग देखें इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह। हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, हमने करवाए 3 रूम। यहाँ का जो स्टाफ है काफ़ी कोऑपरेटिव भी है। सबसे पहले 3 रूम है, एक रूम हमारा ये वाला है, एक रूम ये है। सबसे पहले तो भाई तीन रूम आ गए, अमना सो रही है अभी, और रूम काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त। वॉशरूम तो सबसे पहले दिखाना बनता है ना, लाइट का लाइट वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, मगर कमोड लगा हुआ है, मैं WC चाहिए आई बैग। तो शैम्पू भी अच्छा है, शैम्पू भी छोट दिया हुआ है, और शेविंग किट वगैरह सब चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे, अच्छा ज़बरदस्त। चलो भाई, कमरा बड़ा भी है। अभी जब मेरी आँख खुली
तो पता ही नहीं चला कि मैं कब सोया, और बीच में आँख खोली तो थोड़ी रोशनी हो चुकी थी। मैं रात को व्लॉग एंड करना भूल गया था, तो अभी इसमें व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू डे के साथ, न्यू एडवेंचर के साथ। तो अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर करें क्या चीज़ आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई, क्या चीज़ आप लोगों को नहीं आई, कहाँ जाना चाहिए था हमें, कहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो मिलते रहें हमारे साथ, जुड़े हैं रहें हमारे साथ, और हमारे चैनल को रिकमेंड ज़रूर करें, और आप लोगों का प्यार खूब चाहिए हम लोगों को। अल्लाह हाफ़िज़।